सो हाई एवरी वन दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन कल्चरल स्टडीज ठीक है आज बहुत ही मैं आपको छोटे छोटे कुछ इसके पॉइंट्स है कुछ इसके कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कहीं भी क्वेश्चन आ जाए और वो टर्म आपको वहां दिख जाए और आपके माइंड में एक आइडिया हो कि इसका क्या मतलब है ठीक है ये मेरा सेकंड लेक्चर है कल्चर स्टडीज पे आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा पिछली भी अगली भी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा और मेरी जो उससे पहले वाली वीडियोज है चाहे वो न्यू क्रिटिसिज्म पे है या फिर वो पोस्ट मॉडर्निज्म पे है स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कल्चर स्टडीज में भी आते हैं जैसे कि रोला रोलाबाथ्स है रोला रोलाबाथ वैसे स्ट्रक्चरलिज्म में भी आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी आता है और वो कल्चर स्टडीज में भी आता है बिकॉज ही रोट अ वर्क मिथोलॉजीज

एस और एस रोलाबाथ सो डू चेक माई वीडियो ऑन रोलाबाथ मेथोलॉजिस्ट ठीक है ये भी इसमें आता है और फ्रेडरिक जेम्सन भी है जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं पोस्ट मॉडर्निज्म के अंडर वो प्लेलिस्ट उस प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो वो भी कल्चर की बात करता है ठीक है पोस्ट मॉडर्निज्म के अगर लोटार्ड की बात करता हूं वो भी थोड़ी कहीं ना कहीं कल्चर की बात करता है ठीक है तो इसीलिए मेरी जो बाकी वीडियोस भी है वो भी कल्चर स्टडीज में हेल्पफुल होने वाली है तो वो सारी वीडियोस भी जरूर देखिएगा ठीक है आज मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट इसके जो है दो तीन वो मैं थोड़े से डिस्कस करूंगा आपके साथ सबसे पहला है हमारे पास मास कल्चर अब मास कल्चर क्या है मास क्या होता है वो खाने वाला मास नहीं है मास है इंसान बहुत सारे लोग मास मीडिया जैसे होता है ठीक है वैसे ही मास कल्चर भी है अब मास कल्चर एक ऐसी चीज है जो कि मास के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मास मतलब कि सभी का इसमें प्रोडक्शन होता है सभी लोगों का ठीक है और ये कमर्शियल पर्पज के लिए होता है कमर्शियल पर्पज ठीक है तो कमर्शियल पर्पज के लिए जब भी हम कोई काम करते हैं कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो वो हमारा मास कल्चर में आता है कि लोगों के लिए ठीक है लेकिन उसका वो जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है तो ये जो कल्चर स्टडीज के जो लोग थे इनके हिसाब से ये था कि मास कल्चर जो है वो एक बुरी चीज़ है क्यों क्योंकि जो अमीर लोग हैं ज्यादा लोग हैं वो अब बहुत सारे चीजों का प्रोडक्शन करते हैं इसीलिए ताकि वो लोगों को बेच सके उनसे मुनाफा कमा सके और उसी वजह से ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन जाती है देखो मार्क्सिज्म आ रहा है ना यहाँ पे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मार्क्सिज्म फेमिनिज्म सेक्सुअल स्टडीज जेंडर स्टडीज हिस्ट्री हर चीज कल्चर स्टडीज में आती है तो उसी तरह कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उसके खिलाफ थे ये कल्चर स्टडीज वाले लोग और जो बहुत सारी जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म वाले थे वो टेक्निक से परेशान थे टेक्नोलॉजी से परेशान थे वैसे ही कल्चर स्टडीज वाले भी जे एच मिलर हम जब पढ़ेंगे तो वो भी यही बात करता है कि जो बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हो गया है हमारे देश और दुनिया में ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरा है ठीक है तो उसी हिसाब से ये कैपिटल कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट थे कि बहुत सारे अमीर लोगों का राज होता है इस मास कल्चर की वजह से ठीक है अब दूसरी अब ये तो नेगेटिव कनोटेशन है इसकी ठीक है? ठीक है नेगेटिव कनोटेशन कनोटेशन होता है कि क्या सिंबोलाइज कर रही है कोई चीज उसको कहते हैं कनोटेशन ये मैंने न्यू क्रिटिसिज्म में कनोटेशन डेनोटेशन डिस्कस किया अगर आप वो देखोगे तो ठीक है तो इसकी तो नेगेटिव कनोटेशन है ठीक है अब दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज है पॉपुलर कल्चर ठीक है अब पॉपुलर कल्चर क्या है पॉपुलर कल्चर जैसा नाम से ही लग रहा है कि जो चीज पॉपुलर है आज हम इंस्टाग्राम चलाते हैं फेसबुक चलाते हैं हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं टीबीएच अब टीबीएच क्या है फुल फॉर्म ऑफ टी बी एच इज बी ऑनेस्ट राइट तो टू बी ऑनेस्ट है उसकी वैसे ये भी हो सकती है कि टी बी एच तारीफ कर दो आ, अब मैं भूल गया उसका क्या था अभी याद आएगा तो बता दूंगा चलो पॉपुलर कल्चर एक ऐसी चीज है जो कि पॉपुलर है जैसे कि हमारा सोशल मीडिया हाँ तारीफ व्हीक में दे दे टू टी बी एच तारीफ़ व्हीक में हो जाए या दे दे कुछ भी है ना तो उस हिसाब से तो तारीफ मांगने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं टू बी ऑनेस्ट ठीक है तो ऐसे जैसे लोल है लमाओ है रोफल है ऐसी ऐसी चीजें हैं ठीक है एसिफ है ए एस सुन एज पॉसिबल ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो पॉपुलर है आजकल ठीक है हम व्हाट्सएप चलाते हैं इंस्टाग्राम चलाते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि सिर्फ मैं और आप ही समझ सकते हैं हम जो यंग लोग हैं वही समझ सकते हैं जो हमारे पुराने वाले लोग हैं वो नहीं समझ सकते अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी चल रही है जो छोटे लोगों में फेमस है तो हम उसे कहेंगे पॉपुलर कल्चर जो एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलर हो कोई चीज़ कोई कल्चर ठीक है कोई नोशन उसे पॉपुलर कल्चर कहते हैं ठीक है तो ये तो पॉजिटिव है ठीक है तो ये तो पॉजिटिव चीज हुई है ना अच्छी चीज है इंटरेस्टिंग है लेकिन मास कल्चर को नेगेटिव बताया गया क्योंकि इससे जो है सोसाइटी का शोषण होता है अब इसी मास कल्चर से अगर हम बात करें तो हमारे जो मैथ्यू आर्नल्ड थे ठीक है उन्होंने एक वर्क लिखा था कल्चर एंड एनार्की ठीक है मैथ्यू आर्नल्ड ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जब आऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा मैथ्यू आर्नल्ड उन्होंने वर्क लिखा है कल्चर एंड एनआर 1869 में है शायद है कल्चर एन एनआर इन्होंने इसमें ना सोसाइटी के दो तीन स्टेजेस बताया है इसमें इन्होंने जो लोअर क्लास पॉपुलिस कहा है शायद तो अभी हम इतने डीप में इसमें नहीं जाएंगे इस वीडियो में क्योंकि जिस दिन मैथ्यू आनल्ड पे जो वीडियो होगी उसमें डीप जाएंगे यहां पे सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि मैथ्यू आनल्ड भी इस चीज की बात करता है कि जो ये कल्चर है वो कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म और वर्किंग क्लास में देखो कई लोगों को ब्लर की प्रॉब्लम आ रही है देखो आई एम हेल्पलेस मेरा फोन ब्लर होता है ऑटो फोकस के चक्कर में ये ब्लर होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता आप बेहतर है कि आप ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं ठीक है मेरी साउंड आप तक आ रही है आपकी आंखों का भी नुकसान नहीं होगा ज्यादा और आप लिखते जाओ अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम होती है बीच बीच में हल्का है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज है ना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा तो अगर आपको लग, थोड़ी सी दिखने में प्रॉब्लम होती कहीं तो जो मैं बोल रहा हूं मैं स्पेलिंग भी बोल दिया करूंगा जो डिफिकल्ट वर्ड होगा उसकी मैं स्पेलिंग भी बोल दिया करूंगा ठीक है तो कैपिटलिज्म वर्किंग क्लास ही तो सिंपल सी चीजें हैं आप लिख सकते हो साथ साथ है ना तो ये कैपिटलिज्म कहता है कि जो कैपिटलिज्म का राज बढ़ रहा है क्योंकि उनका शोषण हो रहा है ठीक है, 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 है तो ये सारी चीजें कल्चर एंड एनआर में करता है अब पिछली वीडियो में मैंने की आपको बात थी ठीक है तो विलियम्स ने भी एक वर्क लिखा है इससे मिलता जुलता उस वर्क का नाम है कल्चर एंड सोसाइटी कल्चर एंड सोसाइटी ये है सेवनटीन एटी से नाइनटीन फिफ्टी तक ठीक है कल्चर एंड सोसाइटी अब इस कल्चर एंड सोसाइटी में भी लगभग ऐसी ही बातें हैं मास कल्चर की अब रेमंड विलियम्स ने वैसे रेमंड विलियम्स की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें हर चीज में डिटेल में समझाऊंगा ठीक है मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा यहां तो इसने भी एक बात कही है कि दैट कल्चर इज नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड नॉट अ स्टेट और अबिट ऑफ माइंड बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ मैंने पहले लेक्चर में भी बताया लेक्चर वन में कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ हमारा जीने का तरीका बोलने का तरीका पहनने का तरीका यह सारी चीजें जो है हमारी कल्चर स्टडीज में आती है तो रेमेंट विलियम्स ने भी यही बात की और थोड़ा ये हाई कल्चर और लो कल्चर की भी बात करता है ठीक है एक होता है हाईकल्चर एक होता है लो कल्चर ठीक है हाईकल्चर लो कल्चर इससे तो नाम से ही लग रहा है एक हाई कल्चर हो गया अमीर लोगों का कल्चर लो कल्चर हो गया वर्किंग क्लास लोगों का कल्चर ठीक है तो जो हाई कल्चर है वो प्रमोट होता है ठीक है जिससे कि लो कल्चर वालों को नुकसान होता है तो हाई कल्चर लो कल्चर कहीं भी आए यही समझना है ठीक है तो ये तो हो गई इतनी सी बात मास कल्चर हमारा हो गया ठीक है हाई कल्चर लो कल्चर हो गया पॉपुलर कल्चर हो गया अब लास्ट में जो बात आ रही है वो है सब कल्चर की सब कल्चर सब कल्चर ठीक है एस यू बी कल्चर सब कल्चर का सिंपल से सब कल्चर वो एक ऐसी चीज है नॉन नॉर्मेटिव एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट सी ओ एन एफ ओ आर एम आई एस टी नॉर्मेटिव ओ आर एम ए टी आई ई नॉन नॉर्मेटिव और नॉन कन्फॉर्मिस्ट कन्फॉर्मिस्ट वो लोग होते हैं जो दो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी एंड द नॉर्म्स ठीक है ऐसे लोग जो कि प्रिवेलिंग नॉर्म्स को रूल को फॉलो करते हैं वो होते। लेकिन सब कल्चर एक नॉन कन्फर्मिस्ड चीज है वो उस चीज को नहीं मानती है जो कि एक मेन स्ट्रीम में चल रहा होता है मेन स्ट्रीम क्या है मेन स्ट्रीम वो चीज है वही चीज पॉपुलर ठीक है जो चीज पॉपुलर है जो चीज प्रिवेलिंग है हमारी सोसाइटी में वो है मेन स्ट्रीम ठीक है जी तो मेन स्ट्रीम से अलग जाके जब कोई कल्चर एक तैयार होता है किसी का पर्सनल कल्चर भी हो सकता है कोई मान लो हम मेरी कोई ट्राइब है मेरा कोई गांव है मैंने अपना ये कल्चर बना दिया ठीक है वहां पे मैं बाहर के कल्चर की कुछ सुनता ही नहीं हूं ठीक है मुझे उनसे कुछ नहीं लेना देना मैंने अपना कल्चर सेटअप किया है हम लोगों ने गांव वाले लोगों ने या फिर एक ट्राइब है कबीले वाले हैं कुछ भी है तो वो एक सब कल्चर होता है कल्चर का एक छोटा सा पार्ट जो मेन स्ट्रीम कल्चर है मेन स्ट्रीम कल्चर का एक छोटा सा पार्ट ठीक है वो होगा हमारा सब कल्चर जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है जो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अपने रिचुअल्स होते हैं नॉन नॉर्मेटिव भी होता है वो ठीक है तो वो है हमारा सब कल्चर ठीक है इतनी सी बात है वैसे तो इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं मैं लास्ट में एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं राइटर्स और उनके कुछ वर्क्स बता दूंगा जो बच जाएंगे अभी तो इसके बाद मैं राइटर्स से शुरू करने वाला हूं रिचर्ड होगा पहले होगा फिर स्टुअर्ट हॉल फिर ईपी e. थॉम्पसन फिर मार्शल मैकलॉन और उसके बाद आशीष नैंडी वगैरह भी है कुछ चार पांच छह वीडियोस बनाऊंगा मैं राइटर्स पे जो कल्चर स्टडीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं उन वीडियोस को सारी वीडियोस को देखना इसके बाद आएगी प्लेलिस्ट में चेक करना और आपके अच्छे से जो कंसेप्ट है कल्चर स्टडीज़ वाला कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा अरे I मैंने mean, इसमें आपको बता दिया है मास कल्चर क्या है सब कल्चर क्या है ठीक है हाई कल्चर क्या है लो कल्चर क्या है पॉपुलर कल्चर क्या है थोड़ा सा आपको आइडिया अब हो गया है कि कल्चर स्टडीज़ है क्या ठीक है अब हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक है जी तब तक के लिए शुक्रिया और खुदा हाफिज़ बाय एवरीबडी खुश रहो आबाद रहो किसी की जान किसी की फरियाद रहो वैसे भी वेलेंटाइन वीक चल रहा है जान ही रहो किसी की बाय